संत कबीर नगर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और जिला सेवा योजन कार्यालय तथा कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में कल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खलीलाबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में आईटीआई और कौशल विकास मिशन के विभिन्न ट्रेंडों के 198 प्रशिक्षणार्थियों ने पंजीकरण कराया है। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार में इलेक्ट्रीशियन, आईटी टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए। साक्षात्कार के उपरांत 89 अभ्यर्थियों का चयन टेक्नीशियन और ऑपरेटर के पद पर किया गया है। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है। मेरा नाम दीपा गुप्ता है, मैं बस्ती से आई हूँ। मैंने अभी इसी वर्ष आईटीआई क्वालिफाई किया है और मैंने यहाँ अप्रेंटिस के लिए आई हूँ। रोजगार मेला लगा, यहाँ टाटा मोटर्स कंपनी आई है और मैं उसमें अप्लाई के लिए आई हूँ। मेरा उद्देश्य है मैं अपने फ्यूचर में मतलब एक अच्छी जॉब करूँ, इसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा नाम मीनू पांडे है, मैं डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर से आई हूँ और मेरा इसी ईयर में 2022 में आईटीआई क्वालिफाई हो गया है एंड मैंने ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया है इसी ईयर में और मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स कंपनी यहाँ आई है तो मैं जॉब के लिए इच्छुक हूँ, अप्रेंटिस करना चाहती हूँ टाटा मोटर्स कंपनी में। मेरा नाम नागेंद्र कुमार पांडे और मैं 10 प्लस 2 विथ आईटीआई और मेरा उद्देश्य है कि मैं टाटा मोटर्स में जॉब करूँ। आप जो है ये बच्चे जो भी सेलेक्ट होंगे, जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे वो टाटा मोटर्स पंतनगर उत्तराखंड ज्वाइन करेंगे और अहमदाबाद सानंद में ज्वाइन करेंगे। कंपनी की तरफ से ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि नीम योजना के तहत है, भारत सरकार की नीम योजना के तहत है। जिनको इसमें डिप्लोमा एज ए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स कराया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनके अंदर स्किल किया जाएगा, इनको स्किल्ड बनाया जाएगा।